हरियाणा के रोहतक में एक स्कूल के गेट पर फायरिंग करने और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 3 दिल्ली के रहने वाले हैं, वही इनका सहयोग करने वाला एक युवक रोहतक का रहने वाला है। पुलिस ने खुलासा किया कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के लिए नहीं बल्कि स्कूल में पढ़कर जा चुके युवक ने स्कूल संचालक के साथ रंजिश रखते हुए करवाई है। बता दें 29 जुलाई को लाड़हौत रोड स्थित नवयुग शिक्षा निकेतन स्कूल में घुसकर एक युवक ने फायरिंग की थी और 20 लाख रुपए रंगदारी देने के लिए पर्ची भी डाली थी। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई थी और अब जाकर पुलिस को इस संबंध में कामयाबी मिली है। स्कूल पे आके 3 बंदे आए, एक निगरानी पे खड़ा हो गया, जो निगरानी पे खड़ा हुआ उसका नाम शादाब है और 2 बंदे चांद और पंकज, चांद ने फायर किया है और पंकज बाइक पे था, इन्होंने आके वहाँ फायर किया। इनकी स्कूल वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई फिरौती का मैटर नहीं था, ये सिर्फ एक दिल्ली का है एक क्रिमिनल, वो इस स्कूल के अंदर 1 साल पढ़ा हुआ था और दिल्ली पुलिस उसके डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड लेने के लिए इस स्कूल के अंदर आई थी, क्योंकि वो प्रोसेस के तहत लेना होता है। उस अपराधी को ये लगा कि स्कूल वाला कहीं मेरी डेट ऑफ बर्थ मैच्योर ना बता दे, 18 से ऊपर ना मेरे को बता दे। सिर्फ इस शक और रंजिश में इसने ये अपने साथी जो हैं ये भेजे यहाँ पे। तो ये टोटल 3 आदमी आए थे, ये पहले दिन रात को रुके भी हैं एक के पास, टोटल ये अब तक की जांच में 4 नाम आए हैं, हमने 4ों को अरेस्ट भी कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक युवक दिल्ली जेल में बंद है जो इस स्कूल में 1 साल तक पढ़ा। उसकी जन्मतिथि की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस स्कूल में आई और स्कूल संचालक ने उसकी जन्मतिथि पुलिस को बता दी। उसी की रंजिश रखते हुए जेल में बंद इस शख्स ने ये फायरिंग करवाई। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में रंगदारी का कोई एंगल सामने नहीं आया बल्कि ये सिर्फ रंजिश फायरिंग का मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दिल्ली जेल में बंद युवक को भी जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।